अरे भैया चलिए चलिए, ओ भाई अंकल अंदर बढ़ो। इसको अपनी वंदे भारत दोस्तों 8 कोच वाली क्रॉस कर रही है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ हमारी जनरल कोच पे ढावा बोल दिए हैं लोग, देख सकते हो कैसे यहाँ पे चल रहे भाई क्यूल जंक्शन पे। यहाँ पे रुक जाइए रुक जाइए, ट्रेन को रोकने दीजिए, पहले रुकने दीजिए। अरे रुकेगा था। और दोस्तों यहाँ पे स्किप कर रही भाई फतुहा जंक्शन को हमारी राजेंद्र नगर गोड्डा एक्सप्रेस। और ऐसा है कंडीशन हमारा जनरल क्लास का, देख सकते हो लोग नीचे बैठ के जर्नी कर रहे हैं दोस्तों। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो फिर से स्वागत करता हूँ मेरे कौर नए ट्रेन जर्नी में। तो दोस्तों अभी मैं हूँ पटना के भाई राजेंद्र नगर टर्मिनल पे, और आज हमारी जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 13320 यानी कि राजेंद्र नगर गोड्डा भाई एक्सप्रेस, जो कि वीकली चलती है, केवल वीक में फ्राइडे को ही चलती है। अगर इसका बात करें टाइमिंग की तो ये भाई राजेंद्र नगर से रात 10:15 में एक नंबर प्लेटफॉर्म से खुलती है, और ये अगली सुबह 6:20 में हमारी झारखंड का गोड्डा पहुंचा देती है। तो दोस्तों आज हमारी जर्नी होने वाली है राजेंद्र नगर से लेके गोड्डा के बीच में। तो चलिए बाकी चीज़ आपको प्लेटफॉर्म पे मैं बताता हूँ। तो भिड़ा देख सकते हो ऐसा कुछ है हमारा भाई राजेंद्र नगर टर्मिनल, जो कि भाई पटना राजधानी में आती है। तो चलते हैं, अभी फिलहाल देख सकते हो हमारी स्क्रीन पे अभी शो कर रही थी, फिलहाल तो शो नहीं करिए। तो फिलहाल मैं आ चुका हूँ भाई राजेंद्र नगर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, और यहाँ देखो हमारी राजेंद्र नगर गोड्डा एक्सप्रेस भाई खड़ी हुई है यहाँ पे। फिलहाल अपनी ये स्लीपर कोच है जो कि जनरल के जस्ट पीछे, और आपको एसी कोच है पीछे दिख जाएगी, और आज हमारी जर्नी होने वाली है जनरल कोच में। तो दोस्तों मैं चलता हूँ अभी जनरल कोच में, और अभी समय हो रहा भाई 9:47 यानी कि बस आधा घंटा अप्रॉक्स में हमारी ट्रेन यहाँ से डिपार्ट कर जाएगी भाई। और बाकी देख सकते हो जनरल का हाल, भीड़ है भाई अंदर। अभी चलते हैं हम लोग कोच में। राजेंद्र नगर गोड्डा एक्सप्रेस की भाई जनरल कोच आगे होने वाली है, और फिलहाल मैं अभी खड़ा हूँ भाई जस्ट लोकोमोटिव के आगे। देख सकते हो वैप 7 लगाई गई है हमारी राजेंद्र नगर गोड्डा एक्सप्रेस में। और दोस्तों बात करें इसको रूट की, तो भाई ये गाड़ी राजेंद्र नगर से खुलती है और क्यूल भागलपुर होते हुए भाई अगले ही सुबह पहुंच जाती है गोड्डा को, और फिर उधर से रिटर्निंग अगले ही दिन शनिवार को ये रिटर्न कर जाती है। तो फिलहाल देख सकते हो अब टाइम हो चुका है, बस 20 मिनट और देरी है और अपनी राजेंद्र नगर गोड्डा भाई यहाँ से डिपार्ट कर जाएगी। तो भाई यहाँ पे अपनी ट्रेन की सिग्नल मिल चुकी है भाई, हॉर्न बज चुका है, अब भाई ट्रेन यहाँ से डिपार्ट कर जाएगी। 10:14 हो गया है दोस्तों, और देख सकते हो हमारा भाई जनरल कोच का हाल कुछ ऐसा है। यहाँ पे एक भी बात आपको भाई एक भी सीट नहीं दिखेगा बैठने के लिए, देख सकते हो भाई काफ़ी लोग यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। तो दोस्तों ऑन द टाइम 10:15 में अपनी राजेंद्र नगर गोड्डा एक्सप्रेस डिपार्ट कर रही है भाई राजेंद्र नगर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से, और देख सकते हो हमारा डिपार्चर कुछ ऐसा है। और दोस्तों यहाँ से सीधे भाई अपनी राजेंद्र नगर गोड्डा एक्सप्रेस बख्तियारपुर भागलपुर और सुल्तानगंज होते हुए भाई अगली सुबह पहुँचेगी गोड्डा के लिए। और फिलहाल देख सकते हो अपना डिपार्चर। और भाई देख सकते हो यही भाई हमारा जो भी हो यही दोस्तों अपनी ट्रेन का जो नहाने का धुलाने का यहीं पे काम होता है। और फिलहाल यहाँ पे खड़ी है पटना लोकमान्य तिलक भाई, देख सकते हो यहीं पे सारा गाड़ी को यहाँ पे नहलाया जाता है। और दोस्तों हमारी भाई पटना हावड़ा वंदे भारत यहाँ क्रॉसिंग करने वाली है भाई अपनी राजेंद्र नगर गोड्डा एक्सप्रेस को। अपनी वंदे भारत दोस्तों 8 कोच वाली क्रॉस कर रही है दोस्तों। तो आज की जर्नी भाई हो रही है हमारी जनरल क्लास में, तो देख सकते हो कैसा है कंडीशन, मैं आपको दिखाता हूँ भाई जनरल क्लास का। तो देख सकते हो भाई ऐसा है कंडीशन हमारा जनरल क्लास का, देख सकते हो लोग नीचे बैठ के जर्नी कर रहे हैं दोस्तों। पटना से भाई
झारखंड तक। और देख सकते हो लोग ऊपर बैठे हैं, हमारे एक भाई साहब भी वहाँ पे बैठे हैं बीच में देख सकते हो। और गेट पे का नज़ारा मैं दिखा सकता हूँ, देख लो कैसा है यहाँ पे, लोग गेट पे बैठ के भाई यहाँ पे जर्नी कर रहे हैं। तो यही होती है भाई जनरल क्लास की जर्नी। और फिलहाल अब थोड़ी देर में हमारी ट्रेन पटना साहिब को स्किप करने वाली है। और देख सकते हो दोस्तों हमारा सिख धर्म का भाई यहाँ पे सिंबल दिख रहा होगा आपको ऊपर में। और यहाँ पे भाई हमारी ट्रेन अभी स्किप करेगी पटना साहिब को दोस्तों, पटना साहिब। सिग्नल ग्रीन मिला हुआ है, यहाँ पे स्किप कर रही है हमारे ट्रेन दोस्तों। सो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे लोग कैसे भाई जर्नी करते हैं जनरल कोच में दोस्तों। यहाँ पे बीच में जो आने जाने का रास्ता है दोस्तों आपको खाली नहीं दिख रहा होगा, एकदम भरा दिख रहा होगा दोस्तों। यहाँ पे लोग बैठ कर भाई जा रहे हैं, सीट पे तो जगह नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे तो फुल है। और बीच में भी जो जगह था वो भी फुल हो चुका है दोस्तों। तो अब हम लोग कहाँ बैठेंगे, अब खाली होगा, पैसेंजर उतरेंगे अगले स्टॉपेज पर तभी हम लोग चढ़ पाएंगे। और बाकी देख सकते हो ऐसी होती है जनरल क्लास की भाई जर्नी। और दोस्तों यहाँ पे स्किप कर रही भाई फतवा जंक्शन को हमारी राजेंद्र नगर गोड्डा एक्सप्रेस। और अपनी रफ्तार में भाई चल रही है, काफी स्पीड में है। बयालीस किलोमीटर कवर कर भाई अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है बख्तियारपुर जंक्शन पे। यहाँ पे इसका पहला कमर्शियल होल्ट है इस भाई ट्रेन का। और यहाँ पे दो मिनट का होल्टिंग अभी दिया हुआ है। तो बता दूं भाई बख्तियारपुर के बारे में, तो इसका स्टेशन कोड हुआ BKP, दानापुर डिवीज़न में आती है, ईस्टर सेंट्रल जोन में दोस्तों। और फिलहाल देख सकते हो हमारा बख्तियारपुर जंक्शन भाई, आगे में इंजन है। और मैं बता दूं यहाँ से एक लाइन दोस्तों राजगीर की ओर कटती है, जो कि हमारी श्रमजीवी एक्सप्रेस जाती है राजगीर तक। और एक लाइन हम लोग सीधे जाएंगे जो कि बार होते हुए भागलपुर। तो फिलहाल देख सकते हो भाई जनरल कोच का कुछ हाल ऐसा है, यात्री यहाँ पे खड़े हुए हैं जनरल कोच में चढ़ने के लिए। और ये हमारा विकलांग कोच है, और इसमें भी देख सकते हो काफ़ी लोग अंदर में देख सकते हो विकलांग कोच में भरे हुए हैं भाई। जब RPF वाले आए हैं तो फाइन कटेगा भाई यहाँ पे सबका। तो यही है दोस्तों, सिग्नल अभी नहीं हुआ है फिलहाल, अभी रेड सिग्नल है दोस्तों यहाँ पे। तो दो मिनट होल्डिंग के बाद भाई हमारी ट्रेन निकल चुकी है बख्तियारपुर जंक्शन से दोस्तों। और यहाँ पे देख सकते हो हरी सिग्नल मिल चुकी है हमारी राजेंद्र नगर गोड्डा एक्सप्रेस को दोस्तों यहाँ पे। और यहाँ से एक लाइन तो मैं बता ही दिया हूँ राजगीर की ओर जाएगी, जहाँ पे हमारी श्रमजीवी एक्सप्रेस जाती है, जो कि आनंद विहार से खुलती है और डायरेक्ट भाई पटना होते हुए राजगीर को जाती है। दोस्तों 94 किलोमीटर कवर करके हमारी भाई राजेंद्र नगर गोड्डा एक्सप्रेस पहुंच चुकी है हाथीदा भाई जंक्शन पे। और यहां हमारी स्टेशन की भाई 2 मिनट की होल्टिंग है। और बता दूं यहां का स्टेशन कोड तो 8HTZ दोस्तों। और डिवीज़न की बात की जाए तो दानापुर डिवीज़न में आती है, और हमारा जोन की बात की जाए तो ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन की। और बाकी 2 मिनट की होल्टिंग है, तो देख सकते हो यहाँ पर हमारे कुछ पैसेंजर लोग यहाँ पर उतरे हैं। और बाकी देख सकते हो सिग्नल हमारी येलो है दोस्तों, और अपना जनरल कोच तो यहाँ है ही। बाकी दोस्तों यहाँ पे एक भी सीट भाई बैठने के लिए सीट तो नहीं मिल रही है, खड़े खड़े जर्नी हो रहा है आज हमारी। अब देखिए कहाँ सीट मिलती है, काफ़ी सारे लोग से पूछे कहाँ आप उतरेंगे, तो लोग बोल रहे भाई भागलपुर। तो भागलपुर सुबह 4 बजे आएगा, तो मैं आपसे भाई सुबह मिलूंगा, लेकिन अभी आए का जर्नी दिखा दूंगा। बाकी अपनी ग्रीन सिग्नल हो चुकी है देख सकते हो दोस्तों, अब हमारी यहाँ से ट्रेन डिपार्ट लगी दोस्तों। ग्रीन सिग्नल हो गया है यहाँ पे दोस्तों, ट्रेन डिपार्ट कर रही है, हॉर्न भी लग गया है। सो दोस्तों यहाँ से हमारी ट्रेन डिपार्ट कर रही है, और ये देख सकते हो हाथीदा जंक्शन। और सिग्नल तो दोस्तों यहाँ पे ग्रीन हो चुकी है, और भाई देख सकते हो जैसे इंजन गुजरती है दोस्तों यहाँ पे सिग्नल भी अपना रंग बदल देती है।
तो दोस्तों हमारी ट्रेन भाई पहुंच गई है लखीसराय जंक्शन। हालांकि यहां पे इसका स्टॉपेज नहीं था दोस्तों, स्टॉपेज था क्यूल में, लेकिन यहां पे दोस्तों गाड़ी को स्टॉप कर दिया गया, सिग्नल भी रेड है। अब देखिए यहां पे कहा जाता है कि LP चेंज होगा कि क्या होगा, अब समय बताएगा। और बाकी क्यूल लखीसराय जंक्शन पे रोक दिया है दोस्तों यहाँ पे। और यहाँ पे हमारी पटना हावड़ा वंदे भारत का भी स्टॉपेज है दोस्तों लखीसराय में। रुक जाइए ट्रेन को रोकने दीजिए, पहले रुकने दीजिए। अरे रुकेगा तो, रेड सिग्नल है आगे, देखिए ना। कहाँ जाना है आपको? जमालपुर। हाँ रुकेगा, बैठ जाइए, आइए आइए आराम से। सो बाकी दोस्तों अपनी रुक गया यहाँ पे दोस्तों। और भाई देख सकते हो यहाँ पे भाई ट्रेन रुका भी नहीं, यहाँ पे सिग्नल हो चुका है येलो। अब भाई यहाँ पे सिग्नल होगा, हमारा ट्रेन यहाँ से डिपार्ट करेगी। देख सकते हो सिग्नल हो गई है दोस्तों। अब अपना हमारा आने वाला है क्यूल ब्रिज, आपको दिखाते हैं क्यूल ब्रिज का नज़ारा। फिलहाल ट्रेन डिपार्ट करेगी यहाँ से। बाकी दोस्तों लखीसराय से अपनी ट्रेन डिपार्ट कर रही है। और भाई अभी हमारा आने वाला है क्यूल ब्रिज दोस्तों, बस वीडियो में इंतज़ार करते रहिए। बस हमारा ब्रिज आ गया है, देख सकते हो सामने दिख भी रहा होगा आपको। तो दोस्तों अपनी ट्रेन भाई क्रॉस कर रही है क्यूल ब्रिज को भाई, और इस नदी को भी क्यूल कहा जाता है। और भाई फिलहाल इसमें तो ये पानी नहीं दिख रहा होगा आपको, और भाई ये बरसाती नदी है, यहाँ सिर्फ बरसात में ही आपको पानी देखने को मिलेगा। हालांकि अभी पानी नहीं है, और देख सकते हो भाई इससे पहले भी यहाँ ब्रिज हुआ करता था जो कि फिलहाल टूटा हुआ है देख सकते हो, और ये नया ब्रिज बनाया गया था उसी पर अभी ट्रेन दौड़ रही है भाई। और इस नदी के बाद आने वाला है हमारा क्यूल जंक्शन। दोस्तों अपनी ट्रेन डिपार्ट कर गई लखीसराय से, और क्यूल ब्रिज को भी क्रॉस कर गई यहाँ पे। और अब हमारा आने वाला है क्यूल जंक्शन दोस्तों, यहाँ पे स्टेशन का स्टॉपेज है दोस्तों। अपनी ट्रेन भाई क्यूल जंक्शन पे अराइव कर चुकी है। और फिलहाल हमारी उस वाली प्लेटफॉर्म पे माल गाड़ी लगाई गई है दोस्तों। दोस्तों भाई क्यूल जंक्शन पे भाई यहाँ पे क्रॉस कर रही है हमारी आरा दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस दोस्तों यहाँ से। और फिलहाल अपनी भाई ट्रेन पहुँच चुकी है क्यूल जंक्शन पे। तो बता दूँ यहाँ का स्टेशन कोड हो गया क्यूल, खुद ही स्टेशन कोड है। डिवीज़न की बात की जाए तो दोस्तों दानापुर डिवीज़न, और जोन की बात की जाए तो ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे। यहाँ पे टोटल 8 प्लेटफॉर्म है दोस्तों, और दिन भर में यहाँ 150+ गाड़ियाँ गुजरती है। और बाकी हमारी साउथ बिहार एक्सप्रेस यानी कि दुर्ग एक्सप्रेस क्रॉस कर रही है भाई यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ हमारी जनरल कोच पे ढाबा बोल दिए हैं लोग, देख सकते हो कैसे यहाँ पे चल रहे भाई क्यूल जंक्शन पे। यहाँ पे काफ़ी सारा लोगों यहाँ पे ट्रेन को वोट किए हैं दोस्तों। बाकी देख सकते हो यहाँ पे भाई गेट खोले नहीं कि यहाँ पे लोग भरने लगे, देख सकते हो वहाँ पे भी आपको लोग दिख जाएंगे, यहाँ पे भी लोग दिख जाएंगे। और पीछे तो भाई पैकिंग हो गया हमारा पूरा जनरल का। अरे भैया चलिए चलिए, ओ भाई अंगा अंदर बढ़ो, देख सकते हो दोस्तों कैसे लोग यहाँ पे ट्रेन में चढ़ रहे भाई, यहाँ से पैक होने वाली। मैंने सोचा था कि भाई ट्रेन खाली होगी धीरे धीरे, लेकिन ट्रेन तो पैक होते जा रही है भाई, देख सकते हो लोगों को, देख सकते हो। दोस्तों मैं आपको भाई बता दूं कि इस क्यूल जंक्शन को भाई जंक्शन पॉइंट क्यों जाता है, तो मैं बता दूं भाई हमारी ट्रेन अभी आ रही है पटना से, और भाई यहाँ से एक लाइन जाने वाली है भाई बरौनी की ओर, एक लाइन जाने वाली है झाझा से गया की ओर, और एक लाइन जहाँ हमारी ट्रेन जा रही है भागलपुर से भाई झारखंड। तो इसीलिए यहाँ पे भाई जंक्शन पॉइंट कहा जाता है इस क्यूल जंक्शन को दोस्तों। तो फिलहाल हमारी ट्रेन यहाँ पे दोस्तों आधा घंटा अभी फोर आ गई थी तभी भाई यहाँ पे अभी स्टॉपेज है, तो फिलहाल अभी 6 से 7 मिनट और है और भाई यहाँ से हमारी ट्रेन डिपार्ट कर जाएगी। तो चलिए वीडियो में बन रही है, और आपको मैं डिपार्चर दिखाता हूँ इस राजेंद्र नगर गोड्डा एक्सप्रेस का।
सो दोस्तों अपनी ट्रेन भाई ऑन द टाइम 1 बजे डिपार्ट कर रही है क्यूल जंक्शन को दोस्तों। और दोस्तों यहां से भाई जमालपुर के रास्ते हम लोग पहुंचेंगे भागलपुर और फिर वहां से होते हम लोग सुबह में पहुंच जाएंगे गोड्डा दोस्तों। और फिलहाल भाई इस ट्रेन को बिफोर आ गई थी तो भाई हमारी आरा दुर्ग यानी कि साउथ बिहार एक्सप्रेस और अमृतसर में मेल भाई दोनों ओवरटेक की है इस राजेंद्र नगर गोड्डा एक्सप्रेस को दोस्तों। देखिए कहाँ लटक के सफ़र करना पड़ रहा है और बाकी देख लो ट्रेन में कितनी भीड़ है पीछे देख सकते हो। गेट पे भाई मैं सिर्फ आपके लिए ही बैठा हूँ रात के आधी रात को। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए अपने भाई को और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर कीजिए और बाकी दोस्तों वीडियो में बने रहिए। सो दोस्तों भाई यहाँ पे कुछ ही देर में भाई हमारी जमालपुर आने वाली है और देख रहे हो भाई यहाँ पे समझो कि ट्रेन की भाई आधा पैसेंजर यहीं पे उतरने वाले हैं और देख रहे हो ना गेट पे भाई यहाँ पे हमारे मकसूद भाई हैं और सारे यात्रीगण यहीं उतरेंगे। देख सकते हो खलबली मच चुके हैं दोस्तों और बाकी मैं बैठा हुआ भाई ऊपर। फिलहाल भाई उतना देरी में सीट नहीं मिला अभी ऊपर बैठा हूँ मैं और हमारे भाई साहब भी वहाँ पे देख सकते हो काफ़ी देर से बैठे हुए हैं। बस थोड़ी देर में आने वाली है जमालपुर और भाई आधी जनरल कोच यहाँ पे खाली हो जाएगी। सो दोस्तों हमारी ट्रेन भाई जमालपुर अराइव कर चुकी है देख सकते हो और सारे लोग यहाँ पे उतरने के लिए तैयार है भाई। देख सकते हो बड़ा बड़ा बैग और बड़ा बड़ा झोला लेके और जमालपुर से भी काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे बोर्ड करने वाले हैं इस ट्रेन में और बाकी भीड़ देख सकते हो बढ़ गई है भाई। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे देख सकते हो सब यहीं पे उतरेंगे सामने देख लो आप। तो बस आप इंतज़ार कीजिए देखना कैसे यहाँ पे चढ़ने वाली की और उतरने वाली की भाई यहाँ पे जंग छिड़ जाएगी कुछ ही देर में। तो 194 किलोमीटर कवर करने के बाद हमारी राजेंद्र नगर गोड्डा एक्सप्रेस पहुँच चुकी है सुल्तानगंज और दोस्तों यहाँ पे हमारी ट्रेन का 2 मिनट का होल्टिंग है और दोस्तों यहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएंगे। और बात करी जाए स्टेशन कोड की तो SGG और भाई ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन में आता है और दोस्तों एक चीज़ के लिए फेमस है वो तो आपको पता ही होगा यहीं से भाई बाबा देवघर जाया जाता है सावन के दिनों में भाई। यहाँ से गंगा जल उठा के लोग जाते हैं बाबा को जल चढ़ाने और फिलहाल हमारी ट्रेन यहाँ से डिपार्ट कर रही है। अरे दर दर कि दोस्तों अपनी ट्रेन डिपार्ट कर गई सुल्तानगंज से दोस्तों जो कि बिहार में पड़ती है और एक सुल्तानपुर है जो कि यूपी में पड़ती है दोस्तों। फिलहाल ये दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है हालांकि अपनी ट्रेन डिपार्ट कर गई है भाई और रात के बज रहे हैं दोस्तों 3 समझ रहे हो। तो अभी हमारी ट्रेन भाई पहुंच चुकी है भागलपुर जंक्शन और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों चढ़ने वाले की भाई यहाँ पे मारा मारी हो गई लोग उतरे भी नहीं है और चढ़ने वाले यहाँ पे दोस्तों मारा मारी कर रहे हैं देख लो। अब ये लोग उतरने वाले हैं लेकिन चढ़ने वाले मार नहीं रहे उधर से। देखिए देखिए भाई आराम से आओ ना कहे हमारा पूरा खाली छे आराम से ये पूरा खाली हो गया दोस्तों देख सकते हो सीट खाली हो गया है। भागलपुर में सारा लोग यहाँ पे उतर गए हैं और बाकी पीछे का कंडीशन आप देख लीजिए कैसा क्या है पीछे का कंडीशन। बाकी दोस्तों भागलपुर पहुंचने के साथ खलबली मच गई है हमारे जनरल कोच में दोस्तों। देख लो बड़ा बड़ा बैग लेकर बड़ा बड़ा यहाँ पे झोला लेकर लोग आ रहे हैं और बाकी ट्रेन यहाँ पे फुल्ली भाई आधा खाली हो चुकी है समझो ऐसा कुछ है भाई। और अभी फिलहाल बज रहे हैं भाई 3:20 दोस्तों। फिलहाल अपनी ट्रेन टाइम पे आई है भागलपुर जंक्शन और ये अपनी गोड्डा सुबह में 6:30 पहुंचा देगी। तो बाकी भाई देख सकते हो कैसा है भाई देखो जनरल देख रहे हो फिलहाल रात बहुत हो चुकी है तो दोस्तों मिलेंगे आपसे सुबह में तब तक वीडियो में भाई बने रहिएगा और चैनल पर है तो सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों 325 किलोमीटर कवर करके भाई हमारी राजेंद्र नगर गोड्डा एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपनी फाइनल डेस्टिनेशन गोड्डा दोस्तों। फिलहाल अभी सुबह के भाई बज रहे हैं 6:25 और हमारी गोड्डा एक्सप्रेस बस 5 मिनट की देरी से यहां पे आ गई है। और मैं बता दूं तो दोस्तों हंस सिटिया में भाई अपनी राजेंद्र नगर गोड्डा एक्सप्रेस की लोकोमोटिव चेंज हुई थी तो मैं तो भाई सो गया था। मैं डायरेक्ट आपसे बातें कर रहा हूँ गोड्डा में
आगे दोस्तों मैं बता दूं भाई, इस ट्रेन में आपको पैंट्री सुविधा नहीं मिलने वाली है, बस 3 जनरल बोगी होगी और 6 स्लीपर और बाकी 5-6 भाई एसी है, 3rd AC 2nd AC मिलेगी आपको। तो दोस्तों ये फिर यहाँ से रिटर्निंग 7:35 में यहाँ से फिर गोड्डा से निकलेगी अपनी राजेंद्र नगर के लिए। तो दोस्तों आज तक ये जर्नी यहीं तक, तो आप लोग बताइएगा कैसा लगा ये हमारा एक छोटा सा जर्नी दोस्तों। और बाकी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर की दीजिए अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और फिर मिलते हैं एक और नए ट्रेन जर्नी में। तो तब तक जय हिंद, जय भारत और जय श्री राम।